हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और अपना जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, यहां पे सबसे पहले तो हम देखेंगे बिटकॉइन मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है, उसके बाद हम जो है कैलकुलेशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन क्या कुछ कंडीशन में चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिटकॉइन का स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे बिटकॉइन जो है न्यूट्रल में चल रहा है और इथेरियम यहाँ पे काफ़ी बुलिश दिख रहा है। बीएनबी कॉइन जो कि बाइनेंस कॉइन है वो भी यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। सोलाना जो है यहाँ पे ये न्यूट्रल में आ चुका है। फिलहाल के लिए मैं दोस्तों रिकमेंड यही करूँगा आप सभी को, अगर आप लोग लॉन्ग लेना चाहते हो तो मार्केट को 60 के ऊपर यहाँ पर आने दीजिए, तभी आप लोग यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करिए। अगर यहाँ पे बिटकॉइन न्यूट्रल में है या फिर बेयरिश की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे बाकी का जो मार्केट बुलिश में दिख रहा है आपको, वो भी आपको बेयरिश होते हुए नज़र आएगा। तो मैं आप सभी को रिकमेंड यही करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन का बुलिश होने का वेट कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन जब बुलिश होगा तब ऑल मार्केट यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने क्रिप्टो कैलकुलेटर को। यहाँ पर ये मैंने वेबसाइट लिया है दोस्तों, और दोस्तों इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिए और इस वेबसाइट में जाइए। यहाँ पे आपको क्रिप्टो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है उसी के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन देखेंगे कि यहाँ पे कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो एक्सप्लेन देखने के लिए आपको जाना होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे बताया गया है, मान लीजिए आपने बाइंग किया है 50,000 रुपये का जो INR वैल्यू में होता है, और आपने उसको सेल किया है 70,000 रुपीज़ में। मोटा मोटी आपका प्रॉफिट जो बनता है लगभग 20,000 के आसपास, जिसमें से आपका टैक्स होता है 6,000 रुपीज़। उसके ऊपर आपको सीस चार्ज लगाया जाएगा 4%, जो आपका टैक्स है उस अमाउंट के ऊपर। जो अमाउंट आपका बन रहा है 6,000, उसके ऊपर अगर 4% का टैक्स लगता है जो टोटली हो जाता है 240 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे टोटल टैक्स लगने वाला है 6,240 रुपीज़। ओके, तो ये एक्सप्लेन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरा एक्सप्लेन को समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है मिस्टर ए परचेस बिटकॉइन ₹3,00,000। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है 3,00,000 रुपये का बिटकॉइन यहाँ पे बाइंग किया है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेट भी लिया गया है 1 मई 2022, और यहाँ पे उसने इसको सेल किया है 4,00,000 में मई 25 के अराउंड 2022 में। तो यहाँ पे मिस्टर ए को कितना टैक्स देना होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कैलकुलेशन यही कहता है कि मिस्टर ए ने यहाँ पे लगभग 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, जिसमें से फ्लैट 30% टैक्स हो जाता है 30,000, और उसमें से अगर आप 4% सीस चार्ज लगा ले अमाउंट हो जाता है अराउंड 31,200 रुपीज़। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो कैलकुलेशन है आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम ओरिजिनल यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि ओरिजिनल कैलकुलेशन में क्या आता है। तो ये है दोस्तों ओरिजिनल कैलकुलेटर, वो नीचे की तरफ जो था वो सिर्फ एग्जांपल था। तो अब जो है हम यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि आप अपना फाइनेंशियल ईयर जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 2022 से 2023 का, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर टैक्सेशन चालू हुआ है 22 से। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है 22 से ही पकड़ेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना होगा इस एरिया में क्या बताया गया है, सेल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपने जो सेल किया है, टोटल वैल्यू आपका जो क्रिप्टो करेंसी को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका अमाउंट आपको यहाँ पे INR में डालना होगा। और ये साइड का जो है आपको यहाँ पर डालना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि आपने जितने में बाइंग किया है, जो आपका कॉस्ट पड़ा है उस चीज़ को बाइंग करने में, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना कोई भी अमाउंट
जिसको हम कैलकुलेट यहाँ पे करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 5000 का यहाँ पे बिटकॉइन खरीदा है। अब हमने यहाँ पे सेल कितने पे किया है उसका हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से काम करता है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे डालूँगा 4000 में हमने यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर हमें कि आपका टोटल लॉस जो है 1000 का हुआ है और यहाँ पे आपका कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि आपका लॉस अगर होता है तो इस पर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अब हम चलते हैं इसको प्रॉफिट की तरफ कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो 5000 में ख़रीदा था उसको आपने 6000 में बेचा है, तो आपका टोटल गेन कितना हो गया, यहाँ पे 1000 रुपीज़ का आपने टोटल गेन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स टोटल कितना लगने वाला है वो है 312 रुपीज़, और यहाँ पे जो है कैलकुलेशन आता है इंक्लूडिंग सीज चार्ज के साथ। तो आपको यहाँ पे जो एग्जांपल बताया गया था लगभग उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो आप लोग चाहे तो इस एग्जांपल को ज़रूर दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप खुद से सीज चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो अगर आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है तो उसमें आपको फ्लैट 30% टैक्स हो जाता है आपका 300 रुपीज़। अब जो आपका सीज चार्ज लगने वाला है इस 300 रुपीज़ के ऊपर आपको सीज चार्ज लगेगा 4%, जो कि हो जाता है लगभग 12 रुपीज़। तो आपको टोटल यहाँ पे टैक्स पे करना होगा 312 रुपीज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपको समझने में दिक्कत होता है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट में आइएगा और यहाँ पे आपका जो भी सेल वैल्यू है और आपका कॉस्ट वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट करके अपना जो टैक्स है उसको आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको लाइक किया कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।